भारत जिस तरह से अब अंतर्राष्ट्रीय मंच पर पीओके का मुद्दा उठा रहा है, उसका असर भी अब देखने को मिल रहा है। भारत ने इस बार संयुक्त राष्ट्र महासभा में अब तक के सबसे कड़े शब्दों में कहा है कि पाकिस्तान को गैर कानूनी तरीके से कब्जाए कश्मीर को तुरंत खाली कर देना चाहिए। We call upon Pakistan to immediately vacate all areas under its illegal occupation. दोस्तों, आप इस जिस मकसद से इस वीडियो को देख रहे होंगे उसमें आपको क्लियर हो जाएगा आज कि तालिबान और पाकिस्तान के रिश्तों का द एंड कहाँ होने वाला है। आइए देखते हैं वीडियो। दोस्तों, वीडियो पसंद आने पर सब्सक्राइब, शेयर, कमेंट जरूर करिएगा। इसकी हमें और देश को जरूरत है। फिर मिलते हैं ऐसी ही किसी अच्छी वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। भारत लगातार पिछले कुछ महीनों से पीओके पर हमलावर रुख अपनाए हुए है। अगस्त के महीने में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का अध्यक्ष बनते ही भारत ने पीओके पर अपना रुख दिखा दिया था। भारत के संयुक्त राष्ट्र महासभा में बयान के तुरंत बाद दुनिया भर में पीओके को लेकर पाकिस्तान का विरोध शुरू हो गया है। लंदन और जेनेवा से जो तस्वीरें सामने आई हैं, उन्हें देखकर पाकिस्तान सहम गया है। ऐसे दबाव को कबूल नहीं करेंगे और न ही इस तरह की टैक्टिक्स हमें डिप्राइव कर सकते। इस वीडियो में आपको बताएंगे कि पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर पर भारत के कड़े रुख ने कैसे जबरदस्त हलचल पैदा कर दी है, जिससे पाकिस्तान अब बुरी तरह से घबरा गया है। दरअसल संयुक्त राष्ट्र महासभा में पाकिस्तान ने एक बार फिर कश्मीर का रोना रोया। अपने भाषण के दौरान पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान ने कश्मीर के मुद्दे पर एक के बाद एक गलत तथ्यों को रखा और भारत सरकार पर झूठे आरोप लगाए। लेकिन इमरान खान को भारत की फर्स्ट सेक्रेटरी स्नेहा दुबे ने करारा जवाब दिया। We call upon Pakistan to immediately vacate all areas under its illegal occupation. Right to reply का इस्तेमाल करते हुए स्नेहा दुबे ने कहा कि जम्मू कश्मीर और लद्दाख के संपूर्ण केंद्र शासित प्रदेश भारत के अभिन्न और अविभाज्य अंग थे, हैं और रहेंगे। इसमें वो इलाके भी शामिल हैं जो पाकिस्तान के अवैध कब्जे में हैं। हम पाकिस्तान से उसके अवैध कब्जे वाले सभी इलाकों को तुरंत खाली करने का आह्वान करते हैं। Finally, Mr. President, let me reiterate here that the entire Union territories of Jammu and Kashmir and Ladakh were, are, and will always be an integral and inalienable part of India. Sabhi Bhagwan ne diye ho, to jara upyog karo. अच्छी बात बोली, आपको अच्छी लगी, तो ऐसे थोड़ा मार दीजिए हाथ, आप थोड़ा सा मार दीजिए। आपको बता दें कि हाल फिलहाल में भारत ने पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर के मुद्दे पर पाकिस्तान को जबरदस्त तरीके से घेर लिया है। लगभग एक महीने पहले संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी प्रतिनिधि टीएस तिरुमूर्ति ने एक पाकिस्तानी पत्रकार की कश्मीर पर बोलती बंद कर दी थी। टीएस तिरुमूर्ति ने कहा था कि पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर के दर्जे में बदलाव के लिए उसे खाली करने की जरूरत है। आपको बता दें कि अगस्त के महीने में जब भारत को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की अध्यक्षता मिली थी, उसके तुरंत बाद ही ये बयान आ गया था। इसी के साथ आपको बता दें कि हाल ही में जब पाकिस्तान ने पीओके में चुनाव कराने का ढोंग रचा था, तब भारत ने कड़ी चेतावनी देते हुए कहा था कि हमने इस पाकिस्तानी दिखावे पर अधिकारियों के सामने कड़ा विरोध दर्ज कराया है। भारत ने कहा था कि पाकिस्तान के इस फर्जी चुनाव का स्थानीय लोगों ने भी विरोध किया है और इसे तुरंत खारिज कर देना चाहिए। पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर को लेकर भारत के हमलों का असर अब दिखने भी लगा है। खुद पीओके की जनता भी अब पाकिस्तान से आजादी के नारे लगा रही है। अब जरा इन तस्वीरों पर नजर डालिए। ये तस्वीरें हैं स्विट्जरलैंड के जिनेवा में संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार काउंसिल के सामने की, जहां पाकिस्तान के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन हुए। इसमें पीओके और गिलगित बाल्टिस्तान के राजनीतिक कार्यकर्ताओं ने पाकिस्तान के अत्याचारों के खिलाफ नारे लगाकर विरोध प्रदर्शन किया। इसके अलावा हाल ही में पाकिस्तान के विदेश मंत्री शाह महमूद कुरैशी जब लंदन पहुंचे, तो वहां भी प्रदर्शनकारियों ने पीओके में रह रहे कश्मीरियों के खिलाफ पाकिस्तानी अत्याचारों के खिलाफ नारे लगाए।
तुम्हारा ना मंजूर ना मंजूर रियासत तुम्हारी कब्जा तुम्हारा ना मंजूर ना मंजूर। पाकिस्तान अब बुरी तरह से घबरा गया है, उसे हर जगह अब विरोध का सामना करना पड़ रहा है। इमरान खान इतना डर गए हैं कि संयुक्त राष्ट्र महासभा में अपना रिकॉर्डेड भाषण भेज दिया ताकि ऐसे प्रदर्शनों का सामना ना करना पड़ जाए। मैं कभी इनके किसी ऐसे दबाव को कबूल नहीं करेंगे और ना ही इस तरह की टैक्टिक्स हमें डिप्राइव कर सकते। अच्छा सुनो, चैनल को सब्सक्राइब करो, उसके बाद घंटी बजा देना ताकि अगली वीडियो आपसे मिस ना हो पाए। थैंक यू।